नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन। इस वक्त बिहार के अलग अलग ज़िले बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर हम सभी हतप्रभ रह जाते हैं और तस्वीरें इतनी मार्मिक होती हैं कि उनके दुख का अंदाज़ा शायद ही कोई लगा पाए। एक और तस्वीर सामने आई है पश्चिम चंपारण से, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारपाई पर एक बीमार बेटी को लादकर उसके घर वालों की तरफ से उसका इलाज कराने के लिए उसे ले जाया जा रहा है और वो भी करीबन 1 किलोमीटर उफनती नदी के बीच उसे लेकर जाया जा रहा है। आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार के अलग अलग ज़िलों में परेशानियों की तस्वीरें अनगिनत है। और ये तस्वीर एक बार फिर से पश्चिम चंपारण से सामने आई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हर वर्ष इस तरह की त्रासदी को हम झेलते हैं, इस तरह की संकट की घड़ी में हर बार हर वर्ष हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद हमें नहीं मिलती। ये तस्वीर बेहद मार्मिक है, लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से उठाए गए किसी भी कदम की तस्वीर अस्पष्टता जमीनी तौर पर नहीं दिखाई देती है। फिलहाल आप पूरे इस तस्वीर को देखिए, क्या कह रहे हैं ग्रामीण, उनकी बातों को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए। इसके अलावा जो भी जानकारी है हम आपको देंगे। घर द्वार सब दब है, जितना बारिश होता है लगातार उसमें घर द्वार सब दब है, जमीन जतार लग घर घड़ारी सब कट गए, घर में इतना खाए लेके कुछ नहीं कर, रसद पानी सब दब डूब गए, बर्तन भरिया कुछ नहीं कर बचब, ओढ़ना पताई लूगा कपड़ा सुननी है। रोड पर झोपड़ी बना के बानी जाके उतरे ए बरा गुजर करते जाए बड़का बुनी में लैका से अन्न सबके लेके, ये समय से अब हमनी के बरले कोनो सरकार ना आई ध्यान देवे, कोनो सरकार नहीं के आज ले खोजी हेरी करत हमनी गरीब आदमी है, बीच में दहात आ जाए बेटी के हमनी जी खराब रहल, थोड़े बुखार उखार लगल रहल, रोड टूट गई, कोनो सवारी के साधन नहीं है, ओके खटिया पर लाद के नदी पार कर के ले जाते हैं इलाज करा है। पंडाई पुल पर देखाओ तुम मैसेज भेज होते आवता निमल लपड़ी तो खा होते दू को भाई ना ये दूर पा मतलब आ बन मरते हो पश्चिम चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश से रामनगर में मशान नदी, रामरेखा सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चारों तरफ मचा त्राहिमाम, कई जगह मुख्य सड़क का संपर्क टूटा तो प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट गया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रामनगर प्रखंड के कई पंचायत बगही, सखवानी, मंचनगवा, नौरंगिया, दून सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ के चलते रामनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क 200 फीट से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और इससे इनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो गांव से बाहर सवारी जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिसके चलते आज गांव की ही एक लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिससे लोगों के द्वारा चारपाई पर लाद कर सिंघा नदी लगभग 1 किलोमीटर पैदल लेकर जाना पड़ रहा है। इस संबंध में मंचा गाँव पंचायत की सीमा देवी ने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मुझे खटिया पर लाद कर रामनगर लाना पड़ा, कोई सवारी नहीं,
आने जाने को लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। वहीं भिखना ठोरी के पास पंडई नदी काफी विकराल रूप ले रही है। ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर किसी तरह जुगाड़ कर खाना बना अपना परिवार को खिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में मंचा गाँव निवासी त्रिवेणी राम ने बताया कि बाढ़ ने हम लोगों के घरों में रखे सभी सामानों को बहा लिया, खाने के सामान भी कुछ बहा ले गए। किसी तरह ऊंचे स्थान पर आकर जुगाड़ लगाकर कुछ खाना बनाया है ताकि कुछ खा सके। वहीं जिला प्रशासन से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। तो अलग अलग नदियां बिहार में उफान पर हैं, लगातार जल स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। खासकर उत्तर बिहार की बात करें तो हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से ये इलाका जूझता है और एक बार फिर से तस्वीर पश्चिम चंपारण की। खासकर इस बार के मानसून की सक्रियता की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के इलाके बाढ़ का दंश लगातार झेल रहे हैं। अलग अलग परेशानियों की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल इस इलाके के लोगों का कहना है कि उनके पास आने जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे खटिए पर लादकर पैदल ही नदी के उफान के बीच लेकर जाया जाता है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार हर रोज लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।